मिर्जापुर से हटाया जाएगा सुरेंद्र मोहन पाठक की किताब वाला सीन। प्रोड्यूसर्स ने मांगी माफ। क्राइम फिक्शन बेस्ड नॉवल लिखने के लिए दुनिया भर में मशहूर लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक इस बात से बेहद दुखी नजर आए कि मिर्जापुर वेब सीरीज में उनकी किताब धब्बा को गलत तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की गई, जिससे उनकी और उस किताब की छवि को नुकसान हुआ। सुरेंद्र ने प्रोडक्शन हाउस को चेतावनी दी है कि अगर उस सीन को सीरीज से नहीं हटाया गया तो वे मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। हालांकि सीरीज में से अब ये सीन हटा दिया गया है और राइटर खुद से प्रोडक्शन हाउस ने माफ़ी भी मांगी है। मिर्जापुर 2 की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ मिर्जापुर के इस नए सीजन को पसंद किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये वेब सीरीज कॉन्ट्रोवर्सी का भी हिस्सा बनती नजर आ रही है। इस वेब सीरीज में एक सीन आता है जहां पर कुलभूषण खरबंदा अपने सत्यनारायण त्रिपाठी के किरदार में होते हैं और हाथ में सुरेंद्र मोहन पाठक की किताब धब्बा पकड़े हुए होते हैं। इस किताब के साथ वे नरेशन में जो बोलते हैं उससे सुरेंद्र मोहन पाठक को आपत्ति हुई और उन्होंने उसे हटाने की मांग की। इसके बाद एंकल एंटरटेनमेंट ने कहा कि सिर्फ इस सीन को वो ही वेब सीरीज से हटाया बल्कि सोशल मीडिया पर लेटर के जरिए राइटर से माफ़ी भी मांगी। लेटर में कहा गया कि प्यार है सुरेंद्र मोहन पाठक जी, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं और यह भी साफ कर देना चाहते हैं कि ऐसा करने में हमारी मंशा यह बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी भी तरीके से आपकी छवि को ठेस पहुंचे। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आप हिंदी प्राइम फिक्शन के एक बड़े राइटर हैं और आपके नाम की काफ़ी प्रशंसा की जाती है। लेटर में आगे कहा गया है कि हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमारी तरफ से आपकी इच्छा अनुसार उस सीन को हटा दिया गया है। हम सीन से बुक कवर को ब्लर कर देंगे और 3 हफ्ते के अंदर वॉइस ओवर को भी हटा दिया जाएगा। कृपया इस गलती के लिए हम माफी कर दीजिए। बता दें कि 23 अक्टूबर को मिर्जापुर 2 का नया सीजन रिलीज किया गया था। इसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। तो बस यही थी एक खबर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचानें।